दोपहर को हम खेत में आ चुके हैं क्योंकि क्यों आए थे अभी आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स के साथ है और ये है बाइक। तो एक करो ऊपर नो माल करो ऊपर जो है जमड़े काट मार। तो ये भाई हो चंदन ये क्या तू के तो मातिरा बे रे के तो ये कह जा आलवा है क्या पर पंद के लियो लेकिन ना ये का तुम ये कह जा ले समझी पटेला तो के मी वाया के आ रे फूड की की मां मैं कट कट बाल ना मार हो मैं तक मार कौन सु मार इमर हिम्मत ना करना सुन मन ना क्यों हिम्मत मार तो पटेल ले हंगा थी बड़ी वो कौन दाई गाइस सभी खेत में ना प्रिंस ने क्या देखा है इसको हम गुजराती में होला कहते हैं। आप क्या कहते हैं हिंदी में मेरे को पता है लेकिन वो कह रहा है कि शायद धीरे धीरे बोल रहा है कुछ हुआ है। अभी क्या हुआ और ये काव काव बोल रहा है गाइस कुछ तो हुआ है शायद इसके साथ। अब मैं जाऊंगा तो मुझे चोट भी मार सकता है। पकड़ी लो पकड़ी लो तू दे दे अरे गाइस ये तो उड़ गया तो गाइस अरे धीरे बाद धीरे बाद धीरे बाद। और हमारे खेतों में निकल रहे मूंगफली मेरे अंकल के खेतों में और क्या पल लगेगा क्या भाई मेथी लगेगी इस वाले खेतों में तो मेथी के पैकेट भी आ चुके हैं। और अभी ये नहीं पत्थर मत मार ना नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा ओ ओ ओ नहीं नहीं पाप लगेगा नहीं 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 मारने का। अभी दो होले हो गए हैं दो होले सो क्या बोलते भाई हिंदी में मेरे को बताओ भाई उनको क्या बोलते हैं हिंदी में गुजराती में तो होला कहते भाई होला। अभी दोनों अलग हो गए एक तो उड़ गया अभी अभी इससे उड़ा नहीं जा रहा एक बार फिर से जाता हूँ पास में। अरे ठहर रुक जा भाई नहीं पकड़ने देगा नहीं पकड़ने देगा। तो गाइस अभी गए थे हम वहाँ पर जहाँ पत्थरे से चाल था और मूंगफली निकल रही थी और हमारे खेतों में अब चालू हो गया है काम मेथी डालने का मेथी के बीज ये वाले। अभी इसके ऊपर ना ये वाला हरा वाला डंडा या क्या कहे भाई वो घुमा देंगे तो दब जाएगी और ऊपर छोटी थोड़ी मिट्टी की परत आ जाएगी तो अच्छे से मेथी लगेगी। अभी मेरे पापा वहाँ पर मेथी डाल रहे हैं और साथ में प्रिंस भी खड़ा है। शाम होने को आए तो बहुत मज़ा आ रहा है पहले तो गाइस इतना मैंने घुमा दिया है इस वाले पेड़ के डाली को इसके इससे क्या होता है जो मेथी है वो दब जाती नीचे नीचे। अब बहुत थकान वाला काम है अभी थोड़ी देर में पानी आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। सो फाइनल गाइस पानी आ चुका है क्या ही दृश्य दिख रहा है भाई और मैं डूब चुका हूँ। प्रिंस को मज़ा आ रहा है पानी के अंदर इतने ए ए निकल निकल संधेरा होने के आया है और अभी भी लगभग एक साइड वाला पानी बाकी है मेरा फेस भी शायद ना दिखाई दे शायद पानी की रिफ्लेक्शन आ रही है ऐसे सूरज की तो ये पानी दिख रहा है। काली चौदह से तो ज़्यादा ही डर का माहौल है और ज़्यादा अंधेरा होगा तो और डर लगेगा और आज तो काली चौदह से तो और ज़्यादा डर लग सकता है। अभी से ऐसा लग रहा है तो सोचिए अभी आधा घंटा हो जाएगा तो पता नहीं कैसा डर रहेगा। मेरे कैमरे का एक कमाल बताओ ये है मेन कैमरा जिससे ऐसा शूट होता है और वाइड एंगल से अभी शूट करके दिखाता हूँ देखिए आपको जैसा लगे जैसे दिन अभी हो और ये वाइड एंगल से और इससे अच्छा खासा शूट हो जाता है भाई रियली यकीन मानिए जो आपको दिख रहा है वो है नहीं अभी मेरे को भी नहीं दिख रहा तो एक कैमरे को कैसे दिख रहा है सूरज देवता नहीं है क्लियरली दिखा दूँ देखिए सूरज देवता नहीं है कहीं भी नहीं है लेकिन भाई वाइड एंगल से मैंने
दो तीन सालों से शूट कर रहा हूँ, इतना अच्छा शूट कैसे हो जाते पता नहीं भाई, क्लैरिटी इतनी नहीं आती, लेकिन भाई सब कुछ विजिबल कैसे हो जाता है ये नहीं पता है मेरे को। देखिए सूरज देवता नहीं है लेकिन कैसे प्रोड्यूस कर रहा है कलर, देखिए उनकी लाइट भी चालू है ना, इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि अंधेरा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अंधेरा है। देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा अंधेरा है, लेकिन इसको कैसे पता चल रहा है भाई सारी चीज़ें क्या कैसे है। देखिए बाइक मैन कैमरा से ऐसे दिख रही है, फोकस भी नहीं हो रहा है, दिन था और हमने दिया कर दिया था, लेकिन आज अंधेरा काफ़ी हो गया है और अभी दिया करना पड़ेगा। तो कल हमने यहाँ पर तुलसी माता के पास दिया किया था, आज भी दिया करेंगे, जलाएंगे दिया। अंधेरा देखी, ओ भाई पिंछा आओ कल हुआ प्रिंस अंधेरे में देखिए खेलता हुआ, ले पकड़ पकड़ से। अरे आ तो देखा कोनो ये खाटू नहीं तो पर बस पार्क ले गो लगी चले ये के नहीं लग रही ये भी है ये थी दे अलग 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 ओ मती पा और मेरे पापा गए वहाँ पर घास लेने के लिए अंधेरे में। तो गाइस बाइक के पास पहुँच चुके हैं, अब जाएंगे सीधा कर शूट वूट घर पे जाके करेंगे।